तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आई होप आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। तो इससे पहले भी आप इन टॉपिक से रूबरू हो चुके होंगे, क्लास 12 और 11th आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। तो वेन डायग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और पूरी चीज़ें सही तरीके से देखिए। स्किप मत कीजिएगा एक भी पार्ट, वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट नहीं रहेगा। और अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि आखिर वेन डायग्राम होता क्या है। तो कह रहा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट बाई एरिया रिटन विथ इन अ सर्कल विथ एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन बाई पॉइंट रिटन विथ इन टर्न इन दैम आर कॉल्ड देयर वेन डायग्राम। यानी बेसिकली इसमें क्या होता है, एक सर्कल का एरिया हम लोग ड्रॉ करते हैं और जो भी एलिमेंट दिए रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं, वही आपका वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम अगर हम मान करेंगे चले कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी आर द टू सेट। यू आपका यूनिवर्सल सेट हो गया और ए भी आपके दो सेट हो गए, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी नंबर वन कंडीशन है कि ए यूनियन बी होगा। तो उसके लिए वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा, तो आप इंटरफेस पे देख सकते हैं। दो सर्कल ड्रॉ किया गया है, एक ए के लिए एक बी के लिए, और दोनों टर्म क्या होगा आपका ड्रॉ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनियन है। ओके, तो यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। अब बात आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो जो आपके सर्कल है वो तो ड्रॉ होंगे, लेकिन इंटरसेक्शन यानी दोनों के बीच का पार्ट, दोनों के बीच का पार्ट क्या है आपका, ये है। तो इसी टर्म को, इसी हम लोग इसी सेक्शन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक यूनियन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। आइए थर्ड देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। तो फ्रेंड, थर्ड है a माइनस बी। तो यहाँ पे a का टर्म हम लोग एक a के टर्म को ड्रॉ करेंगे और जो b का टर्म है उसे ड्रॉ नहीं करेंगे। ये कहने का मतलब ये, और एक ये टर्म दिया हुआ है जिसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही आपका ड्रॉ होगा सर्कल क्योंकि केवल a का बात कर रहा है। तो a के बात करने के बाद हम क्या करेंगे, a के जितने भी साइड में एरिया है उस सारे एरिया को ड्रॉ करेंगे। तो ये बेसिकली ये इसका सैम्पल है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एक प्रिंसिपल है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि सपोज ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन आर फाइनाइट सेट। जब ए वन ए टू ए थ्री इसी तरह करके क्या होंगे, आपके कुछ फाइनाइट सेट होंगे दे आर यूनियन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए यूनियन ए वन ए यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री डॉट डॉट यूनियन ए एन इज फाइनाइट, देन नंबर ऑफ ए यूनियन ए वन यूनियन ए टू डॉट डॉट यूनियन ए एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वन इक्वल टू एन, एन का वैल्यू वन या वन से बड़ा होगा और यहाँ पे एन इंटू ए वन माइनस समेशन ऑफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड एन इंटू ए वन इंटरसेक्शन ए वन। तो ये आपका बेसिकली सब फॉर्मूला है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली थोड़े बहुत चीज़ों में इसका रूल होता है, तो यहाँ पर था तो मैंने सोचा कि आपको डिस्क्राइब कर दिया जाए। एक नोट के तौर पर आप इसे नोट कीजिएगा, जो नोट आपका ये कह रहा है कि नंबर वन फॉर एनी टू सेट ए वन एंड ए टू, उसके लिए नंबर ऑफ ए वन यूनियन ए टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए वन प्लस नंबर ऑफ ए टू माइनस नंबर ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू। ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली ए यूनियन बी का। तो ये आपका फॉर्मूला जनरल है जो टू सेट के लिए अप्लाई होता है। तो इससे पहले भी आपने इन चीज़ों को देखा होगा पहले भी क्लासेस में। और अगर थ्री सेट आपके यूनियन के सेट में हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए वन प्लस नंबर ऑफ़ ए टू प्लस नंबर ऑफ़ ए थ्री माइनस नंबर ऑफ़ ए वन इंटरसेक्शन ए टू माइनस नंबर ऑफ़ ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री माइनस नंबर ऑफ़ ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री प्लस नंबर ऑफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री। तो ये आपका बेसिकली इसे हम कह सकते हैं फॉर्मूला है, तो इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना। तो हम लोग इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल में क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन वो है, कह रहा है कि अमॉन्ग 100 स्टूडेंट्स 32 स्टडी मैथमेटिक्स 20 स्टडी फिजिक्स 45 स्टडी बायोलॉजी एंड 15 स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड 7 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड 10 स्टडी फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड 30 डोंट स्टडी एनी ऑफ दैम थ्री सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको दिया हुआ है 100 स्टूडेंट का एक पेयर जिसमें 32 स्टूडेंट आपके मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 20 स्टूडेंट आपके फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 45 स्टूडेंट आपके बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ 15 जो स्टूडेंट हैं वो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ रहे हैं, और जो 7 स्टूडेंट हैं वो मैथ भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, और जो 10 स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 30 स्टूडेंट हैं वो तीनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फाइंड करना है, नंबर वन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट। वैसे
स्टूडेंट के नंबर को फाइंड करना है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और सेकंड इसमें है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, जो क्या करें तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ें उतने स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स के लिए हम लोग एम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, फिजिक्स के लिए पी और बायोलॉजी के लिए बी डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो लेट एम पी एंड ए बी डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एम यानी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी आपकी 32 है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। नंबर ऑफ पी यानी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसकी संख्या कितनी है आपकी, देख सकते हैं 20 है, तो यहाँ पे 20 हो गया। नंबर ऑफ बी जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो कितना है, 45 है। और नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी यानी जो मैथ बी और बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 15 है। और साथ ही साथ जो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनकी संख्या आपकी 7 है, और साथ ही साथ जो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। तो हमें क्या करना है, एंड 30 डोंट स्टडी एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट इज, टोटल कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट इसमें से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो कितना बच गया आपका, आपका 70 बच गया। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको तीन दिए हुए हैं सेट ए बी सी, आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जहाँ जहाँ जो जो टर्म दिए हुए हैं यूनियन, तो यूनियन में आपका जो तीनों सब्जेक्ट में से कोई नहीं पढ़ रहा है तो वो क्या है, 70 है। और जो नंबर ऑफ एम दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और जो जो टर्म दिए हुए हैं, और फाइनली हमको निकालना है नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला का जो आपका था वो 70 था, दूसरा का जो आया है वो आपका 5 आ गया। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द 120 स्टूडेंट यानी 120 स्टूडेंट स्कोर्ड, इट वॉज फाउंड दैट 20 स्टूडेंट हैव स्टडी फ्रेंच, 50 स्टूडेंट हैव स्टडी इंग्लिश एंड 70 स्टूडेंट हैव स्टडी हिंदी एंड 5 हैव स्टडी इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड 20 हैव स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी एंड 10 हैव स्टडी हिंदी एंड फ्रेंच एंड ओनली 3 स्टूडेंट हैव स्टडी ऑल द 3 लैंग्वेजेस, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट हैव स्टडी हिंदी अलोन, फ्रेंच अलोन, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हिंदी बट नॉट फ्रेंच। यानी कहने का मतलब है कि 120 स्टूडेंट आपको दिए हुए हैं जिसमें से 20 स्टूडेंट आपके क्या कर रहे हैं, फ्रेंच भाषा जानते हैं, 50 स्टूडेंट आपके इंग्लिश, 70 स्टूडेंट आपके हिंदी पढ़ रहे हैं और 5 स्टूडेंट आपके इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ रहे हैं, और 20 जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं, और जो 10 स्टूडेंट हैं वो हिंदी और फ्रेंच दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट तीनों लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट केवल फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, और कितने स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच के लिए एफ लेट कर लेंगे, इंग्लिश के लिए ई और हिंदी के लिए एच डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये टर्म लिख देना होगा आपको। तो नंबर ऑफ एफ आपको दिया हुआ है 20, नंबर ऑफ ई आपका 50, नंबर ऑफ एच यानी हिंदी आपका 70, और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं वो आपका 5 है, और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच तो आपका 20 है, और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ आपका 10 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। तो उसके लिए आपको बेसिकली फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, आप वेन डायग्राम से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, वो टर्म आपका 3 हो जाएगा, ये जो बीच वाला टर्म है 3 आके, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे टर्म को जोड़ेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 191 स्टूडेंट 10 आर टेकिंग इंग्लिश कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक एंड 36 आर टेकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस एंड 20 आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक 18 आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक एंड 65 आर टेकिंग इंग्लिश एंड 76 आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड 63 आर टेकिंग म्यूजिक, देन आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला आपका हाउ मैनी आर टेकिंग इंग्लिश एंड म्यूजिक बट नॉट कंप्यूटर साइंस, एंड हाउ मैनी टेकिंग कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक बट नॉट इंग्लिश, एंड थर्ड है आपका हाउ मैनी आर टेकिंग नॉन ऑफ थ्री सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, कंप्यूटर और साथ ही साथ जो आपका म्यूजिक दिया हुआ है वो कितने पढ़ रहे हैं, तीनों मिला के 10, और नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन सी आपका 36, नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ आपका 20, और नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एफ आपका 18, और नंबर ऑफ़ ई आपका कितना दिया हुआ है 65, नंबर ऑफ़ सी 76 और नंबर ऑफ़ एम आपका 63 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जैसे ही वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो इन पूरे टर्म के ये कि आपका ये इंग्लिश के लिए हो गया, ये कंप्यूटर के लिए, म्यूजिक के लिए,
और यहाँ पे आप जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आप इन पूरे टर्म को जोड़ेंगे तो 192 आएगा। लेकिन बात यहाँ पे आता है 10, तो यहाँ पे 10 किस कंडीशन में, जो आपका मैथ जो म्यूज़िक भी कर रहे हैं साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी हो रहा है तो वो आपका 10 है। 8 किस कंडीशन में, 8 आपका मैथ भी म्यूज़िक भी है साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस भी है तो वो आपके 8 हो रहा है। और 13 नंबर 191 टोटल स्टूडेंट की संख्या। तो यहाँ पे आई होप कंप्लीट हुआ, तो आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इससे अगले लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में देखेंगे, रिलेशन क्या कर रहा है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।